मिर्ची बॉलीवुड। हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। अक्षय कुमार आज के टाइम में ऐसे एक्टर हैं कि उन्हें हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में साइन करना चाहता है। अक्षय कुछ फिल्मों को कैंसिल कर रहे हैं, कई फिल्मों को टाइम नहीं होने की वजह से छोड़ रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्षय कुमार जैसे एक्टर को देना पड़ा ऑडिशन, और ऑडिशन के बाद वो नहीं हुए पास तो उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हम बात कर रहे हैं आमिर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर की। ये फिल्म आमिर खान की क्लासिक फिल्मों की लिस्ट में आती है, लेकिन इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने ऑडिशन दिया था। जी हाँ, एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने बताया कि जो जीता वही सिकंदर के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था। ये ऑडिशन उनका शेखर मल्होत्रा वाले किरदार के लिए हुआ था, जो किरदार दीपक तिजोरी ने निभाया था। अक्षय का कहना है कि फिल्म के डायरेक्टर को उनकी एक्टिंग बकवास लगी थी, इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिल्म के डायरेक्टर थे मंसूर खान, जिन्हें अक्षय इस रोल के लिए फिट नहीं लगे थे। वेल तो अगर 1992 में आई इस सुपरहिट फिल्म में अक्षय कुमार को कास्ट किया जाता तो आज से 25 साल पहले आमिर और अक्षय की जोड़ी लोगों को साथ में देखने को मिल सकती थी, जो आज तक नहीं हो पाया है। वेल कहना गलत नहीं होगा कि आज अक्षय जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये रास्ता इतना आसान नहीं था। अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार को भी रिजेक्शन का दौर झेलना पड़ा है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।